औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम करने वाले 4.3 द नाइट एंगल एंड द नोबलमैन पॉइंटर्स द क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। रीड द स्टोरी एंड से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टोरी पढ़ के हमको आंसर देना है कि ये जुमले सही है या गलत है। A. No bird likes to be shut up in a cage. True. B. The nobleman was rich and happy. False. C. The nobleman did not set the bird free. False. D. The nobleman didn't think much of the secret. True. E. The nightingale had rare diamond under his wings. False. F. The nobleman believed that the nightingale had diamonds. True. G. The nightingale flew away. True. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग प्रैक्टिस द लेटर इन द पिंक बॉक्सेस फ्रॉम द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्टोरी यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द राइट एंड द लेटर इन द पिंक बॉक्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो हमको जो है पिंक में जो है नाइट एंगल लिखा हुआ है और हमें जो है ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हमें एन दिया हुआ है और आगे के वर्ड्स लेटर है डब्ल्यू ओ, तो हो जाएगा नाव। इसके नीचे डी बी आर, तो वो बन जाएगा बर्ड। ई सी ए, तो वो बन जाएगा केज। जी यू ई, यूज। एम एस ए ई आर, तो इसमें फिट हो जाएगा तो बन जाएगा मास्टर। सी एच आर, बिकम रिच। डी आर यू, तो हमें उससे वर्ड मिल रहा है अंडर। आई एन डब्ल्यू एस, तो हमें उससे वर्ड मिल रहा है विंग्स। वाई डी, सिंपल है, उससे वर्ड मिल रहा है हमें डे, डी ए वाई डे। एफ डब्ल्यू ई, तो वर्ड बन जाएगा हमारा फ्ल्यू। ए वी जी, तो वर्ड बन जाएगा केव। इस तरह से नाइट एंगल कंप्लीट हो जाएगा और हमारा वर्ड पजल भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ 4.1 द नाइट एंगल इन द नोबल मैन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द नाइट एंगल गेव द नोबल मैन टू बिट्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम द group and discuss each of them. Can you think of a story, event, any experience related to each? Write it down. Try to find similar saying or proverbs in your mother tongue. तो हमें इस पर डिस्कस करना है और जो वो प्रोवर्ब्स हमें उर्दू में अगर मिल रहे हैं तो हमें वो लिखना है। तो फर्स्ट है never cry over split milk, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। द फ्रेज never cry over split milk means no use in worrying over past events which cannot be changed. तो इसका example है, I know you didn't mean to break my phone, so there is no use in crying over split milk. Simple सा experience है कि मुझे पता है कि तुम मेरा phone नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो वक्त है वो चला गया है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। Never trust an idle word, कभी भी बेकार की बात पर भरोसा ना करें। तो उसकी स्टोरी एक है, Once a man visit his hometown, he meet his friend in village. He told them that he lived a lavish life in the town, own house with a lot of facilities. When one of his friend visit him in the city and found that his friend work as a helper and those were his idle word, and he realized that he should Never trust an idle word. तो इससे भी हमें बच के रहना है। Now 5, question number 5, use the given word in the place of the highlighted words and translate each sentence you make. तो first है the bird flew a little higher, तो हमें उसकी जगह word use करना है much, a lot, just a little. तो फर्स्ट वर्ड है द बर्ड फ्ल्यू मच हायर, परिंदा ज़्यादा ऊँचा पर ऊँचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्ल्यू
अ लॉट हायर. परिंदा खूब ऊंचाई पर उड़ गया. कि थर्ड वन है जस्ट अ लिटिल यूज करके लिखना है, द बर्ड फ्लू जस्ट अ लिटिल हायर. कि परिंदा थोड़ी और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ गया. उसके बाद है आई नेवर ट्रस्ट अ आइडल वर्ड. तो हमें जो है ऑफन और ऑलवेज यूज़ करना है. आई ऑफन ट्रस्ट आइडल वर्ड्स. मैं अक्सर ला हासिल अल्फाज पर भरोसा करता हूँ. फिर उसी को हम ऑलवेज के साथ रिप्लेस करेंगे. आई ऑलवेज ट्रस्ट अ आइडल वर्ड्स. मैं हमेशा ला हासिल अल्फाज पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ. द बर्ड फ्लू अवे. तो हमें यूज़ करना है अप डाउन लेफ्ट राइट फार अवे. तो देखिए हम कितनी तरीके से ये सेंटेंस बना सकते हैं. द बर्ड फ्लू अप. परिंदा ऊपर उड़ा. द बर्ड फ्लू डाउन. परिंदा नीचे की तरफ नीचे उड़ा. फिर है द बर्ड फ्लू लेफ्ट. परिंदा बाई तरफ उड़ा. द बर्ड फ्लू राइट. परिंदा दाई तरफ उड़ा. द बर्ड फ्लू फार अवे. फिर परिंदा दूर चला गया. इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से यूज़ किया है. फिर है ट्राई टू कलेक्ट एटलीस्ट 20 प्रोवर्ब्स और सेइंग इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में जो है प्रोवर्ब्स या सेइंग जो हम बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उसके लिए हमने 20 जो ज़खीरे हैं वो जमा किए हैं. वो है नंबर वन, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. नंबर टू, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. नंबर थ्री है हाफ अ लूफ इज़ बेटर देन नन. फोर, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. फाइव, गुड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व. सिक्स, फॉर्चून फ्लेवर्स द ब्रेव. सेवन, फॉल सेवन टाइम्स स्टैंड अप एट. एट, एवरी डॉग हैज हिज डे. नाइन, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. टेन, ईजी कम ईजी गो. इलेवन, अर्ली बर्ड्स कैचेज द वर्म. 12. Don't put all your eggs in one basket. 13. Don't judge a book by its cover. 14. Don't count your chickens before they hatch. 15. Don't blow your own trumpet. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के इसमें सुनते हैं. Curiosity kill the cat. 17. Clothes do not make the man. 18. Better late than never. 19. Beggars can't be choosers. 20. An empty vessels make much noise. तो ये आपको याद कर लेने, आप ट्राई करो कि आप यूज़ कर लो उनको अपने सेंटेंसेस में. 7 है क्वेश्चन नंबर, यूज सम सुटेबल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हाईलाइटेड वर्ड एज एट एवरी स्टेप. तो फर्स्ट वन देखेंगे ए, इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस. If you let me go, I will tell you how to earn man. If you let me go, I will give you treat. If you let me play, I will help you cleaning. B, how stupid of me. Then sentences, how lucky of me. C, how nice of you. Up C mein dekhenge, noble watch as the bird flew away. The nobleman watch as the bird fluttered away. The nobleman watch as the lion run. The police watch as the thief run away. The student enjoy as the student dance away. The girl look at the cat run away. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. What bits of advice do you often get away from your family and friends? Write down 3 of the bits in your mother tongue. Try to translate the bits into English. तो हम हमेशा सुनते हैं जो वर्ड्स तो हमारी मदर टंग यानी उर्दू में. तो उसमें पहला है बुजुर्गों का एहतराम करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. हाथ कंगन को आरसी क्या. एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ. जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू सो यू शल यू रिप. तो ये चीज़ें इसमें देखेंगे. फिर हम एक नोटवर्दी चीज़ इसमें देखेंगे, नोट द प्लूरल्स. तो हम ये प्लूरल फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से इसमें प्लूरल चेंज हो रहा है. मैन मैन, नोबल मैन नोबल मैन, वुमन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन. तो इसमें हम देखेंगे कि
ए जो है ई में चेंज हो रहा है और चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन बन रहा है. तो ये जो है सिंगुलर प्लूरल्स की जो है इरेगुलर प्लूरल दिखाई दिए हैं, इसको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है.